हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले मैंने ये लैपटॉप ख़रीदा था। पर्टिकुलरली मैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन में काम करता हूँ, तो मेरे को बग बाउंटीज़ के लिए ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है। प्लस कुछ भी एथिकल हैकिंग स्टफ्स करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया लैपटॉप है, क्योंकि ये गेमिंग पीसी है। मिड रेंज कह सकता हूँ, मिड रेंज का एक गेमिंग पीसी है, अफोर्डेबल है। और मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था शोरूम से, लेकिन मैंने इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू नहीं पोस्ट किया है। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में खुल के बात करने वाला हूँ, कैसे है प्रोडक्ट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ यूज़। तो प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया है गाइस, इसका जो परफॉर्मेंस है अमेजिंग है। यहाँ पे देख सकते हो इसका फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। मॉडल है इसका ASUS गेमिंग पीसी FX5170C, यही मॉडल है इसका। और यहाँ पे देख सकते हो LCD का स्क्रीन का जो डिस्प्ले है ना, 15.6 फुल HD स्क्रीन है। उसके बाद इसका वर्चुअल रैम है 4GB है, और CPU यहाँ पे देख सकते हो इंटेल i7 12th जनरेशन का है। और जब H की बात करें तो हाई एंड आता है, ठीक है। U अगर होता है तो जनरली उसका मीनिंग है एक लो एंड प्रोसेसर होता है, हमेशा H के लिए जाना, H होता है हाई एंड। और उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो 512GB SSD का है। और उसके बाद रैम की अगर बात करूँ तो 8GB का 2 कार्ड चिप लगा हुआ है। उसके बाद अगर लैन की बात करूँ, वायरलेस लैन की बात करूँ तो वाईफाई 6 का आता है। वाईफाई 6 ही लेटेस्ट है अब के ज़माने में, जो कि रेंज आपको बढ़िया मिलेगा और स्पीड भी बढ़िया मिलेगा। और यूएसबी अगेन यूएसबी 3.2 का पोर्ट है। उसके बाद ओएस टाइप है विन 11 होम आता है। उसके बाद केबी लैंग्वेज यूएस आता है, और पावर कॉर्ड्स इसका इंडिया में बनते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है चाइना के माल ज़्यादा नहीं टिकते करके, बट ये प्रोडक्ट जो है असल में मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है, चाइनीज मेक है। देख सकते हो चाइना करके लिखा हुआ है, और ये मैन्युफैक्चरिंग जून 2022 में हुआ था, लेकिन मैंने इसको फरवरी 2023 में ख़रीदा था। यहाँ पे देख सकते हो ये 17 जनवरी इस साल को सेलिंग में आया एक्चुअली। के बाद मैं इसे खोलूँगा, खोलने के बाद ये कैसे दिखता है ये दिखाऊँगा। यहाँ पे ये सब कवर में आता है लैपटॉप, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ये जो वारंटी कार्ड है, यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी एक मैनुअल होता है, यूज़र गाइड। उसके बाद यहाँ पे शायद ये जो है यही इसका वारंटी कार्ड है। तो ऑफिशियली मेरे को एक वारंटी कार्ड करके नहीं दिख रहा है इसमें, शायद यही है। बट मैंने जब रीसेलर से पूछा था तो उन्होंने बताया कि देर इज़ नो वारंटी कार्ड करके, बट यही दिख रहा है मेरे को वारंटी कार्ड। देख सकते हो कुछ वारंटी के बारे में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे कहीं पर भी एग्जैक्ट वारंटी कार्ड नहीं दिख रहा है। शायद इसके जो हमारे माई एस एस सपोर्ट के एप्लीकेशन में अगर लॉग इन करोगे तो वहाँ पर दिखा सकता है। बट अगेन इसमें मेरे को हार्डवेयर सपोर्ट के बारे में कुछ बोला नहीं गया, लेकिन 1 ईयर का सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो बोला गया मेरे को, फ्री सॉफ्टवेयर सपोर्ट। बट हार्डवेयर सपोर्ट के लिए शायद इसे सर्विस सेंटर को ही दिखाना पड़ता है, शायद वो पेड सर्विस होगा, यही एक डिसएडवांटेज लगता है मेरे को। बहुत सारे लोगों ने भी कंप्लेंट किया है। यहाँ पे इसे खोलने से आपको एक बैटरी केबल, चार्जर केबल दिखता है। यहाँ पे इसका एक्चुअल अडैप्टर है, इसे दिखता है गाइस खोलने के बाद। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हो या नॉन सब्सक्राइबर्स हो, मेरे ASUS वीडियोस में जितने भी मैंने ASUS के रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं उसमें आके कमेंट करते हैं ज़रूर कि उनको ऐसा कुछ बग आ रहा है करके, कभी कभार आर्मरी क्रेट एप्लीकेशन में इश्यूज आ रहा है करके, और वो कहते हैं कि इसमें कुछ नोन बग्स हैं वगैरह वगैरह। मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, अगर वारंटी में सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपका कवर्ड है 1 ईयर का या 2 ईयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी, आप जाके ज़रूर रीसेलर से वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट अवेल कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि ASUS सर्विस सेंटर में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, हालांकि हार्डवेयर सपोर्ट आपको मिलेगा ASUS सर्विस सेंटर में। अगर मेरे को ये नहीं पता कि वो कैसे एक्सीडेंटल डैमेज पे कवर होता है या नहीं, पता नहीं मेरे को। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो ज़रूर शायद आपको फ्री सर्विस मिलेगा, या तो आपको रिपेयरिंग करवा के दे सकते हैं, नहीं तो आप रीसेलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि ये एक्सीडेंटल डैमेज नहीं था बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है करके, या तो आप रीसेलर से कनेक्ट करके आप रिप्लेसमेंट मांग सकते हो। ऐसे कई सारी इश्यूज़ मैंने देखा अपने वीडियोस में, मेरे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स आके मेरे से पूछते थे कि ये लैपटॉप मैंने खरीदा ब्रो और इसमें डिफेक्ट्स है करके। अगर मैंने उनको भी यही एडवाइस दिया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो आप ज़रूर जाके रीसेलर से रिप्लेसमेंट मांग सकते हो, अगर आपका जो लैपटॉप है विद इन 1 ईयर का, वन ईयर के अंदर अगर आपने इशू रिपोर्ट किया, या ख़रीद के 30 दिन में या 10 दिन में आपने इशू रिपोर्ट किया तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट की ज़रूर बनती है। अगर आपने डिले किया रिपोर्ट करने में तो ऑब्वियसली उनको डाउट आएगा कि अगर ये एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है करके, वो लोग डाउट कर सकते हैं। अगर जल्दी से जल्दी आप वो जाके कन्विंसिंगली बता सकते हो कि ये एक्सीडेंटल डैमेज नहीं था बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था करके, तो ऑब्वियसली आपको रिप्लेसमेंट ज़रूर मिलेगा। अगर यह सॉफ्टवेयर
का कोई भी इशू हो, जैसे कि मोस्टली मैंने यही सुना है कि आर्मरी क्रेट एप्लीकेशन में ही ज़्यादातर लोगों को इशू हुआ है, तो वो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इशू है। सो ऑब्वियसली आप जाके ऐसे सर्विस सेंटर को मत जाना, रीसेलर आपको 1 ईयर या 2 ईयर का सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वहाँ जाके आप रिपेयरिंग करा सकते हो विद रिगार्ड्स टू एनी ओएस इशूज़ और विद रिगार्ड्स टू एनी सॉफ्टवेयर इशूज़, पर्टिकुलरली आर्मरी क्रेट एप्लीकेशन। तो वैसे ये लैपटॉप ऐसे दिखता है खोलने के बाद, ठीक है, देख सकते हो इसका एलईडी स्क्रीन हो, इसका जो कीपैड हो, बहुत ही बढ़िया मॉडल है एंड डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है गाइस। तो इसका आउटलुक जो है ऐसा दिखता है कुछ। तो मेरी अगर रिव्यू की बात करें तो मेरा वर्डिक्ट की अगर बात करें तो मैं इस प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को कोई भी दिक्कत या इश्यूज़ नहीं हुआ है जब से मैंने इस लैपटॉप को ख़रीदा है, ना तो मेरे को आर्मरी क्रेट एप्लीकेशन में इशू हुआ है या ना तो मेरे को कुछ भी हार्डवेयर रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हुआ है, मैंने एनकाउंटर किया है। तो ऑब्वियसली मैं सबको ये लैपटॉप ज़रूर रिकमेंड करूँगा लेने के लिए। अगर जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर लेने के बाद आपको कुछ भी हार्डवेयर इश्यूज़ हुआ एज पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, आप ज़रूर जाके रीसेलर को कॉन्टैक्ट करके या तो रिप्लेसमेंट मांग सकते हो, या आपको रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ऐसे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आपको शायद फ्री सर्विस मिले वारंटी के अंदर, या तो आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ है तो आप रीसेलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनके पास आपका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट वाला एंटाइटलमेंट रहता है 1 ईयर या 2 ईयर वाला, वो बेसिस पे आपको सॉफ्टवेयर इश्यूज़ को रेक्टिफाई करेंगे फ्री में, ठीक है। तो बस यही था गाइस इस वीडियो में, अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक डालिएगा और बिना बोले चैनल को सब्सक्राइब करेगा फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्ट रिव्यूज लाइक दिस। विल मीट द नेक्स्ट वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।